हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी केम क्लासेस। तो जैसे आपको पता है, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की हुई है जेई मेंस के क्वेश्चंस की। सो उसी सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं और क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट्स ऑन द और द रिएक्शन कंडीशंस एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो, आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें एक्स और वाई बताना है। एक सिंपल सी चीज़ देखना है, यहाँ पर अगर हम स्टार्टिंग देखें रिएक्टेंट की और यहाँ प्रोडक्ट देखें, तो बी आर की हमारे पास पोजीशन चेंज हो रही है। तो बी आर की पोजीशन कहाँ चेंज होती है, मैंने पहले भी ऑलरेडी जब एन सी आर टी एक्सरसाइज की सीरीज करवाई थी उसमें मैंने डिस्कस किया था, जब हमें हैलोजन की जो पोजीशन चेंज करनी होती है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एल्कोहलिक जो बेस है उसके साथ रिएक्शन करके एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे ताकि डबल बॉन्ड आ जाए, फिर आपके पास मार्कोनी एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगता है। तो यही यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। सो यहाँ पर आपके पास एक्स जो होगा वो कुछ ना कुछ एल्कोहलिक होगा, मे बी एल्कोहलिक एनएओएच केओएच। सो यहाँ पर आपको एनएओएच दिया हो तो एल्कोहलिक एनएओएच, तो यहाँ से हमें देख के पता लग रहा है कि हमारा ऑप्शन सी बनने वाला है, बट फिर भी हम इसको देखेंगे। सो हमारे पास क्या बन जाएगा, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू बन जाएगा। ये तो हमारा हो गया एक्स, जब एल्कोहलिक हमने एनएओएच लिया और टेम्परेचर क्या दिया हुआ 80 डिग्री सेल्सियस। अब हमने क्या प्रोड्यूस करना है, ये प्रोड्यूस करना है, इसका मतलब हम इसमें एचबीआर के एडिशन कर रहे हैं। और किस तरह से एडिशन कर रहे हैं, हमारा मार्कोनिक ऑफ रूल, दैट मीन्स नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर आपका जो है लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। सो ये सी एच थ्री सी एच बी आर और यहाँ आपके पास बन गया सी एच थ्री। सो वाई जो आपके पास हो गया इसमें वो क्या होने वाला है, एच बी आर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन कंपाउंड कंटेनिंग कंपाउंड डज नॉट गिव लिसांग टेस्ट। सो इनमें से कौन सा लिसांग टेस्ट नहीं देगा, सो हाइड्राजीन जो है इसमें वो लिसांग टेस्ट नहीं देगा। क्यों, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी कार्बन नहीं है जो नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड हो। सो यहाँ पर कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होगा, इसलिए हाइड्रोजीन जो है लिसांग टेस्ट नहीं देने वाला है। सो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, आपको ए दिया हुआ है, रिएक्शन कंडीशंस दी हुई है और बी और सी पूछा गया है कि आइडेंटिफाई करो बी और सी क्या है और ए और सी किस तरह से रिलेट कर रहे हैं। तो कुछ ऑप्शंस में आपके पास ये मेंशन किए हों। सो पहले हमारे पास क्या है, अल्कोहलिक एनएओएच है, अल्कोहलिक एनएओएच से आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, डबल बॉन्ड आ गया और उसके बाद एचबीआर ईथर की प्रेजेंस में हमने ऐड किया तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया। और साथ में हमारे पास कौन सी पोजीशन पे है, ऑर्थो मेटा पैरा। सो अगेन ऑर्थो मेटा पैरा पे हमारे पास क्या आ गया, ब्रोमीन आ गया। सो इसको अगर हम थोड़ा सा और प्रॉपर तरीके से लिखे तो हम कुछ इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास बन गया ब्रोमीन। तो यहाँ पर ए और सी हमारे पास कैसे हैं, ए और सी हमारे पास हो गए पोजिशनल आइसोमर्स, क्योंकि ये देख रहे हो आप यहाँ पर सिर्फ क्या किया, पोजीशन चेंज करी है और इसकी पोजीशन चेंज हुई है यहाँ पर ब्रोमीन की। और जो बी है वो हमने ये आइडेंटिफाई किया, तो बी और सी हमारे कुछ इस तरह से हो गए और ए और सी हमारे पास क्या हो गया, पोजिशनल आइसोमर हो गए। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो होपफुली आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं और इसके जो पेंडिंग क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।